हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर प्रमुखता से छपी है कि तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए आश्वस्त किया है। भारत ने सोमवार को राष्ट्रपति के आदेश से संसद में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की घोषणा की थी। तुर्की ने पाकिस्तान से कहा है कि वो वर्तमान हालात में पाकिस्तान के साथ है। कश्मीर मसले पर तुर्की पहले भी पाकिस्तान का साथ देता रहा है। बता दें कि इस मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सोमवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद से भी बात की। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के अलावा कई देशों से इस मामले में समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि कश्मीर के ताजा घटनाक्रम पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को भी पत्र लिखा है और मांग की है कि यूएन इस पर तत्काल नोटिस ले। पाकिस्तान ने यूएन से कहा है कि वो भारत प्रशासित कश्मीर में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजे और वहां के हालात को देखे। बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड चीफ के साथ प्रदेश की सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। सोमवार की रात मलिक ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की और कहा कि किसी भी हालात से निपटने के लिए अभी सतर्कता जरूरी है। अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है और कई इलाकों में कर्फ्यू के साथ धारा 144 लागू है के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि यूएन की टीम भारत प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी करें। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या राय है वे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ बने रहे।